नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम राधा शंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के पेपर का। जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है, चूँकि 9 मई को हुआ है। ठीक है, 9 मई को ये पेपर कम्प्लीट हुआ है, तो ये पेपर आपको बताने वाले हैं कैसा पेपर आया था। ओके, चूँकि 3 घंटे का समय था यहाँ पर और 40 अंक का पेपर था। ठीक है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। और फ्रेंड, हमने जो है आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, उनमें से जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर आप भी अदर सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार पेपर आया था। यहाँ पर खंड आ में आ जाता है क्या, हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक एक अंक के हैं यहाँ पर। और 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर भी यहीं पर साथों साथ बताएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई इसका राइट आंसर जीन हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है कि सेंट्रल डगमा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्रिक ने जो है सेंट्रल डगमा दिया था। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि तीसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है, तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है डीएनए में पाया जाता है, आ नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न चौथा विकल्प आ जाता है, यहाँ पर सिकिल सेल एनीमिया इनके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है सिकिल सेल एनीमिया जो है जीन्स के द्वारा होता है। 7 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला विकल्प आ जाता है 5 नंबर का कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है पितृत्व के परीक्षण में, बलात्कारी को पकड़ने में और अपराधी को पकड़ने में, उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है 10 नंबर का आंसर सही हो जाता है। ठीक है, और इनमें से अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर खंड बा में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं, सभी लघुत्तरी प्रश्न दो दो अंक के हैं, 5 लघुत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीएनए प्रतिकृति की विधि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था, 6वें नंबर का प्रश्न था। इसके 8वें में आया था डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने आईएमपी क्वेश्चनों में बताया था, अगर आपने याद किया होगा तो आपको पेपर में ज़रूर बन गया होगा। 7 नंबर का अनुलेखन पर आपको टिप्पणी लिखना था। ठीक है, चूँकि ये प्रश्न भी आईएमपी में हमने कराया था, और अनुवांशिक कूट की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखी है, काफ़ी एक ईजी प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर 8वें नंबर पर सहलग्नता के प्रकारों को आपको समझाना था। ठीक है, इसके 8वें में आ जाता है क्या कि लिंग सूचकांक पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना था। और यहाँ 9वां प्रश्न आ जाता है मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था, चूँकि ये सभी 2-2 अंक के प्रश्न थे। यहाँ पर इसके 8वें में पूछा गया था बहुविकल्पी जेनेटिक तत्व पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना था। यहाँ 10वां प्रश्न आ जाता है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएट के प्रकार पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर इसके अतिथि में आया था जर्मलाइन जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखी है, क्योंकि ये प्रश्न सभी प्रश्न हमने आईएमपी क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी प्रश्न यहाँ पर जो है फंसे थे। ठीक है, और जूलॉजी का सेकेंड यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सभी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर, आप वहाँ से जाके उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट प्रश्न आ जाता है यानी कि 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है 5 अंक वाले में। ठीक है, खंड 7 से कि विभिन्नताओं पर एक निबंध लिखना था, जो कि 5 अंक में पूछा गया था। और इसके 8वें में आया था क्या कि समुचित चित्र की सहायता से tRNA की आणविक संरचना का वर्णन करना था। ठीक है, और 12वां प्रश्न यूकेरियोट्स में अनुवादन की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना था। इसके अतिथि में आया था ओपेरॉन मॉडल को विस्तार से समझाना था। और यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न किसी एक लिंग संलग्न अनुवांशिक बीमारी के संवहन को समझाइए, यानी इसको समझाना था। और इसके अतिथि में आया था क्रोमोसोम्स के संरचनात्मक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना था। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है रक्त समूह के अनुवांशिक संवहन को समझाना था। और इसके अतिथि में पूछा गया था यहाँ पर क्या
जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले अनुवांशिक विकार पर आपको जो है निबंध लिखना था। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न आ जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का महत्व लिखना था। ठीक है, चूँकि ये सभी प्रश्न हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में कराए थे, इसके अर्थ में आ जाता है डीएनए अंगुली छापन पर एक निबंध लिखना था, चूँकि वेरी आईएमपी प्रश्न में हमने ये क्वेश्चन लिया था। तो इस प्रकार जो है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर था, राजशंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का बीएससी थर्ड ईयर 2022 का। ठीक है, और इनमें से अगर ऑप्शन यानी कि यहाँ में से विकल्प आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर आईएमपी क्वेश्चन अपलोड है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।